नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ी जानकारी देंगे। आधार कार्ड में अगर आपने कुछ भी नया अपडेट्स करवाया है, डॉक्यूमेंट अपडेट करवाए हैं या एड्रेस अपडेट करवाए हैं, कुछ भी आपने अपडेट करवाया है, तो आप उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपका सक्सेसफुल तरीके से डॉक्यूमेंट या कुछ भी चीज़ अपडेट हो चुका है कि नहीं हुआ है आधार में, क्या स्टेटस है उसका, कैसे आप चेक करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मोबाइल फ़ोन से इजी तरीके से आप अपना स्टेटस को एक झटके में आप जान सकते हो। ठीक है, हमने काफ़ी पहले बताया था वीडियो में कि हम डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करेंगे आधार कार्ड में। सभी लोगों को आधार कार्ड में, जिनका आधार कार्ड बने 10 साल से अधिक हो चुका है, उन लोगों को अपडेट कराना अनिवार्य है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो और ये 14 जुलाई तक फ्री में अपडेट भी हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया था और अपडेट करके हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाया भी थे। उसी का हम आपको स्टेटस अभी चेक करके देखेंगे। 1.5 महीना पहले हमने अपना डॉक्यूमेंट को अपडेट किया था, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो भी बना करके दिया था कि कैसे आप मोबाइल फ़ोन से घर बैठे डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, अभी फ्री में हो रहा है। ठीक है, तो उसका स्टेटस हम अभी आपको चेक करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा अपना सब कुछ फॉर्म को, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से स्लिप जनरेट होता है। स्लिप में आप यहाँ पे देखेंगे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है, SRN लिखा हुआ है, SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी इसे नोट कर लीजिएगा, इसी से आपको स्टेटस चेक होगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको myadhar.gov.in ये पोर्टल है आधार का, इस पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार को OTP के थ्रू लॉगिन करके भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो किसी और का होगा तो आप उसका SRN नंबर से भी आप जान सकते हो। उसको हम SRN नंबर से ही चेक कर रहे हैं अपना। यहाँ पे आप देखेंगे कि चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने SRN नंबर को यहाँ पे एंटर कर लिया है कॉपी करके, ठीक है, पेस्ट कर दिया है, नहीं तो आप खुद से भी एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे कैप्चा जो भी आपको दिखेगा, वो कैप्चा को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका स्टेटस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर मेरा पूरा कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, विल बी योर आधार इज प्रिंटेड एंड पोस्ट, यानी कि आपका आधार जनरेट हो चुका है। ठीक है, हमारा यानी कि डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुका है या जो भी कुछ अपडेट किए हैं हमारा सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपका अब स्टेटस क्या है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट आपको आगे मिलता रहे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ। आपका दिन।